Hello everyone, now let's see the hormones of thyroid gland. We have seen the structure, location and histology of thyroid gland. In that we have seen that thyroid gland is consisting of two lobes on the anterior side of your neck, just around ventrolateral to trachea, where it is covered by a capsule having many lobes inside it. That consists of small follicles lined by follicular cells internally. They are cuboidal, epithelial cells and the secretory cells of your thyroid. In between that, there is a stromal tissue which consists of parafollicular cells, also known as C cells or clear cells. Parafollicular cells are also known as C cells or clear cells that secrete thyrocalcitonin. Follicular cells will secrete thyroxine. So we have to see the two hormones, thyroxine and thyrocalcitonin. So let's see first of all, thyroxine hormone of your thyroid gland. अब थायरॉक्सिन हार्मोन आपको टेबल पता है कैसा बना के दिया था मैंने, सेम आपको टेबल बना लिया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं. बट याद रखने के लिए अपने को एक रफ इस तरीके से लगने ही वाला है, ठीक है. सो मैं आपको पहले डिटेल में थायरॉक्सिन का बता रहा हूं. थायरॉक्सिन इज द हार्मोन, इट इज द आयोडिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड. कैसे बने वाला है, आयोडिनेटेड, आयोडो थायरोनिन बोलते हैं उसको, इट्स नेचर. इट इज आयोडो थायरोनिन मींस इट इज द आयोडिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड. टायरोसिन अमाइनो एसिड आपको, टायरोसिन अमाइनो एसिड आपको इसका स्ट्रक्चर, इसके जो कोई भी वेरिएबल ग्रुप वगैरह बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हो गया है. सो जाकर आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वहां पर जाकर चेक करो व्हाट इज टायरोसिन, कौन से प्रकार का अमाइनो एसिड है, एरोमेटिक, हेटरोसाइक्लिक, एलिफेटिक है, क्या है, अल्कोहलिक, सल्फर कंटेनिंग, व्हाटएवर, जो भी उसका नेचर, एक बार उसका स्ट्रक्चर देख लो टायरोसिन का. सो टायरोसिन में आयोडीन मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, सो आपका एक थायरोक्सिन हार्मोन्स तैयार हो जाए. अगर आपने एक आयोडीन मॉलिक्यूल एक टायरोसिन में ऐड किया, ठीक है, सो दिस एडिशन इज डन बाय योर फॉलिकुलर सेल्स. थायराइड ग्लैंड जो आपकी है, ठीक है, सो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स आए वाले हैं, तो ब्लड में से आयोडीन जो आने वाला है, वट एवर आयोडीन यू आर ईटिंग थ्रू योर डाइट, सो दैट आयोडीन इज absorbed in intestine into the blood and from blood it is carried up to your thyroid gland, and in thyroid gland follicular cells will pick up the iodine from blood. They will add follicular cells of thyroid gland will add iodine into the tyrosine amino acid. Iodine is added to tyrosine. If one iodine is added, it will become monoiodothyronin. Monoiodothyronin. दो डाल दिए तो diiodo, तीन डाल दिए तो triiodo और tetraiodo, ऐसे T3 और T4 अपने तीन काम के हैं. So जब तीन आयोडिन आप एड कर देंगे तो बन जाएगा T3, that is triiodothyronin. Full form भी देख लो उसका, triiodothyronin और टेट्रा आयोडो थायरोनिन. ये दो हार्मोन्स आपके T3 और T4 के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर तीन और चार आयोडीन मॉलिक्यूल्स ऐड करे वाले रहते हैं. आपको साइड बाय साइड स्ट्रक्चर्स भी आए थे उनके, सो आपने नोट किया होगा कैसे आयोडीन कहाँ पे लोकेटेड है. सो ये T3 और T4 दो प्रकार के, दोनों को थायरोक्सिन बोले वाला है. बोथ आर थायरोक्सिन हार्मोन्स, बोथ आर थायराइड हार्मोन्स, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड थायरोक्सिन. ओके, because their action is same, just a one difference that T3 will have 3 iodines in tyrosine and T4 will have 4 iodines in tyrosine, as well as T3 is 4 times active than T4. activity agar aapne dekhe to T3 jyada active hai as compared to T4, otherwise both will produce same effect. Both will produce the same functions. They will perform same functions. काम दोनों same करते, लेकिन T3 जरा ज़्यादा active है as compared to T4. And T4 when it is released by thyroid gland, it reaches the target tissue, target organ, and it gets converted into T3 at the target site. T4 का conversion भी T3 में हो जाता by removal of one iodine. ओके, सो अल्टीमेटली T3 वर्क करने वाला है, लेकिन थायराइड ग्लैंड विल प्रोड्यूस T3 एज वेल एज T4. T4 इज लेस एक्टिव एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू T3 व्हेन इट रीचेस द टारगेट ऑर्गन.
ओके T3 इज 4 टाइम्स मोर एक्टिव बट बोथ ऑफ देम विल प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, ये लिख के रखो, बोथ ऑफ देम विल प्रोड्यूस सेम फंक्शंस, अभी जो फंक्शंस देखेंगे T3 और T4 दोनों के फंक्शन. सो व्हाट इज T3 T4, थोरैसिक वर्टिब्रा नहीं है T3 T4, दे आर ट्राई आयोडोथायरोनिन टेट्रा आयोडोथायरोनिन. ओके सो दीज आर द केमिकल नेचर, दिस इज द केमिकल नेचर, दे आर आयोडोथायरोनिन्स, ओके दे आर वाटर इनसोल्युबल, दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अपन उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे. And thyroxine gland will be the only gland involved in the iodine metabolism. It will take up iodine and form these thyroid hormones. Okay, समझ में आया? अब अगर इनके target की बात करें, so आपके body tissues इसके target रहेंगे, blood, liver, bones, muscles, everywhere सारे tissues पर action बताएगा. So इसके लिए body tissues लिख दिया है मैंने, सब जगह पर action बताएं. कैसे? सो फंक्शंस अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस है, इट विल रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट BMR, इट रेगुलेट्स BMR दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एनलिस्ट द फंक्शंस, देन आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन. इट रेगुलेट्स BMR, ओके, इट इंक्रीजेस ATP synthesis, it is called calorigenic effect. Then it will increase protein synthesis, lipolysis and glucose utilization by cells. It will increase protein synthesis, lipolysis and glucose utilization by cell. It will promote cholesterol excretion, that is it lowers blood cholesterol level. Okay. Then it will also promote body growth, all kinds of growth, physical, mental and sexual growth, blood formation, menstruation in female is also indirectly affected by thyroid gland. Okay, thyroxine. अब देखते हैं एक से फंक्शंस इनके क्या रहते हैं. इनके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं बर्ड्स और एम्फीबियंस का, वो बताता हूं लास्ट में क्योंकि वो ह्यूमन का नहीं है, बर्ड्स और एम्फीबियंस का क्या है. सो दीज आर दी 7-8 फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन, लेट्स सी वन बाय वन. इट रेगुलेट्स BMR और बेसल मेटाबॉलिक रेट. व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, डेफिनेशन पे आ रही है आपको. सो बेसल मेटाबॉलिक रेट रेफर्स टू दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन अप और यूटिलाइज्ड बाय सेल्स एट दी स्टैंडर्ड और बेसल कंडीशंस, स्टैंडर्ड और बेसल बॉडी कंडीशन. जैसे कि मैं रेस्टिंग कंडीशन में हूं या चल रहा हूं, वॉकिंग कंडीशन में, या फिर आपसे बात कर रहा हूं. सो ये टाइम पे मेरी बॉडी को, फॉर एग्जाम्पल आई एम वॉकिंग, सो वॉकिंग के लिए मुझे 100 ATPs की जरूरत है. एग्जाम्पल 100 ATPs आर रिक्वायर्ड टू वॉक नॉर्मली. ओके, देन एटलीस्ट 100 ATPs शुड बी सिंथेसाइज्ड बाय माय बॉडी सेल्स. एटलीस्ट 100 ATPs शुड बी सिंथेसाइज्ड बाय माय बॉडी सेल्स. But if they synthesize less than 100, so I will be unable to walk normally. Correct? And if the cell synthesizes ATP in excess amount, 110, 120, jada bana di, so at that time that ATPs will be wasted. Unka nuksan ho jayega. So, jo ek fixed condition, ek value hai, kitni chahiye mujhe 100 ATP banana hai. To ye jo metabolism mujhe karna hai, uske liye, I have to do breakdown of glucose, glycolysis, Krebs cycle karna padenge. To energy tayar hongi body mein respiration hokar. So, जो एनर्जी तैयार होंगी तो वो 100 ही तैयार होना चाहिए, ज्यादा नहीं तैयार होना, कम नहीं तैयार होना. सो ये जो रेट रहेगा, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी, रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट इज अ स्टेबल रेट एंड इज कॉल्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट. बेसल मीन्स द रेट, मेटाबॉलिक रेट मीन्स इट इज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एट स्टैंडर्ड और बेसल कंडीशंस. ओके, इट शुड बी फिक्स्ड, सो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ योर थायरॉक्सिन.
कि कितने ऑक्सीजन यूटिलाइज होनी चाहिए, कितना ऑक्सीडेशन होकर एटीपी तैयार होनी चाहिए. व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. समझ में आया, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय सेल्स एट सेलुलर लेवल, ओके, टू ऑक्सीडाइज, टू डू ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट एंड टू रिलीज एटीपी फॉर द बॉडी. So that process is known as BMR or basal metabolic rate. So it is directly under the control of thyroxine. आपको जब भी एनर्जी लगेगी थायरोक्सिन सीक्रेट होगी, ठीक है. So thyroxine controls BMR. Therefore it will also control, अब ऑक्सीजन आप ज्यादा लेंगे कम लेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है फिर आपकी, जब BMR बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा. सो इट विल ऑल्सो रेगुलेट हार्ट रेट, लिखो आगे, इट विल ऑल्सो रेगुलेट हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड बीपी, ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट हो जाएगा उसकी मदद से. ओके, क्योंकि अगर ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड है तो फिर आपको बॉडी ज्यादा ब्रीथ करेगी, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा, हार्ट रेट विल ऑल्सो इंक्रीज एंड ब्लड प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज स्लाइटली. ओके, टू कंपेंसेट विद द रिक्वायर्ड कंडीशंस योर बॉडी विल ऑल्सो इंक्रीज दीज थिंग्स. सो बीएमआर से रिलेटेड ये चीजें भी वो रेगुलेट कर लेंगे. ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कि वो ये सब चीजें रेगुलेट करें. इसका असर ये होगा, इट विल इंक्रीज एटीपी सिंथेसिस इन योर बॉडी, दैट विल लीड टू जनरेशन ऑफ हीट. बॉडी में क्या तैयार होंगी, हीट विल बी रिलीज्ड एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज हीट रिलीजिंग इफेक्ट. को क्या बोलेगा, कैलोरीजेनिक इफेक्ट. कैलोरीज मीन्स हीट, एनर्जी, जेनिक मतलब सिंथेसिस, सो इट विल प्रमोट कैलोरीजेनिक इफेक्ट एंड इट विल रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर. इसके इनडायरेक्टली क्या देगा, आपका बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट हो जाएगा कैलोरीजेनिक इफेक्ट. सो विच हार्मोन रेगुलेट्स बीएमआर, थायरोक्सिन. विच हार्मोन रेगुलेट्स कैलोरीजेनिक इफेक्ट, शोज कैलोरीजेनिक इफेक्ट, थायरोक्सिन, बिकॉज इट प्रमोट्स एटीपी सिंथेसिस. ओके, सो दैट इज नोन एज कैलोरीजेनिक इफेक्ट विच लीड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर. अगर कोई एनिमल की बॉडी में थायरोक्सिन ठीक से, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही, थायरोक्सिन की कमी है ज्यादा है, सो उसको ठंड बचेगी, उसको बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में परेशानी होगी. वो डिसऑर्डर्स में तो तुमको पता ही चलेगा, लेकिन कोई इन एनिमल है जिसमें थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मली वर्क करे या फिर काम ही नहीं करे, उसको उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में बड़ी मुश्किल है. ओके, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, थायरोक्सिन का डायरेक्ट इफेक्ट. ओके, इट विल इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, लाइपोलिसिस, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा क्योंकि एनर्जी की जरूरत है. लाइपोलिसिस लिपिड ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा, लिपिड्स के ब्रेकडाउन से भी एनर्जी रिलीज होंगी. लिपिड्स में आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मेनली ब्रेकडाउन होगा तो आपके जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है उसका अमाउंट कम होने लगेगा, सो इट विल डिक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल. एंड इट विल इंक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन. अरे ग्लूकोज को ही तो ब्रेक करके एटीपी तैयार करेंगे, वही तो बातें लिखा मैं. ओके, इट विल प्रमोट कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन, कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन होगा प्लस उसमें से एनर्जी निकले बाद बचा हुआ कचरा बाहर जाएगा, सो इट विल प्रमोट कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन, सिर्फ एनर्जी निकालने का काम करने का बस. ओके, देन व्हाट, व्हाई दैट एनर्जी इज रिलीज्ड, व्हाट विल बी द यूज ऑफ दैट एनर्जी, इट विल बी यूज्ड फॉर बॉडी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज होगा, जैसे कि फिजिकल ग्रोथ, स्केलेटल ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ, ओके, नर्वस सिस्टम की ग्रोथ वगैरह, सारे ग्रोथ आ जाएंगे उसके अंदर आपके. सो पूरी बॉडी की ग्रोथ वगैरह नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ के लिए आपको लगेंगे वो. मेंटल ग्रोथ, आपका ब्रेन वगैरह, आईक्यू वगैरह, उसकी डेवलपमेंट, मेमोरी वगैरह से रिलेटेड, तो फिर इनसे भी रिलेटेड ये फंक्शंस करेंगे, इनकी ग्रोथ होंगी. एज वेल एज सेक्सुअल ग्रोथ, तो सेक्सुअल पार्ट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह फीमेल्स में, ओवरी की ग्रोथ वगैरह जनरली फीमेल्स में ज्यादा एक्टिव दिखाई देता है और मेल्स में भी गोनाइडल एक्टिविटी के ऊपर इसका एक्शन दिखाई देता है. So all kinds of body growth are under the control of your, are also affected by your thyroxine, such as physical, mental and sexual growth. Okay, then body में blood formation भी करेगा, erythropoiesis की process को भी promote करेगा in your red bone marrow. Okay, as well as menstruation, अभी पता है female में, but indirectly, directly तो आपके gonadal hormones release उसको affect करेंगे, but just like your melatonin, it will also affect menstruation in female. Because it is a cyclic activity in female. Similarly, thyroxine will also regulate the affect the menstruation in females. Lastly, ये हो गए human के functions. एक बार फिर से देख लो क्या है उसके अंदर के. Okay? बाद में revise होने के बाद birds और amphibians में क्या करता है? तो amphibians में अगर आप देखो, in amphibians, जैसे कि frog, तो उनके larva की growth के लिए larva growth, उसका टिश्यू डिफरेंशिएशन मतलब उसके टिश्यू डेवलप होना और उसमें मेटामॉर्फोसिस,
What is metamorphosis? It is the process of conversion of larval stage into adult stage, successive adult stages. So, एक रहता, एक से फिर लार्वा बनता, लार्वा से प्यूपा वगैरह अलग अलग स्टेजेस आती अलग अलग एम्फीबियंस की लाइफ साइकिल में. तो उनकी जो ग्रोथ होती है, उनके टिश्यू बॉडी की ग्रोथ होती है, तो देखो ना बॉडी ग्रोथ ही आ जा रहा वहां पे भी. मेटामॉर्फोसिस कन्वर्जन ऑफ लार्वल स्टेज इनटू द एडल्ट स्टेज सक्सेसिवली इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. सो फ्रॉग वगैरह में थायरोक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रहता है, क्योंकि उसके लार्वा की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी रहता है. ठीक है, सिमिलरली इट विल ऑल्सो अफेक्ट एम्फीबियंस के बाद बर्ड्स में. बर्ड्स में शेडिंग ऑफ विंग फेदर्स, शेडिंग ऑफ ऑफ फेदर्स, पक्षियों के जो पंख झड़ जाते हैं, ठीक है, उनके जो फेदर्स रहेंगे, सो दैट विल बी दे विल शेड ऑफ अंडर द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ योर थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन कैसे झड़ते, नए भी आते और जड़ पुराने वाले झड़ भी जाते, शेडिंग ऑफ ऑफ विंग्स एंड feathers in the birds is under the control of thyroxine. Okay, so these are the functions of your thyroxine in human being and others. Yeah, but ये extra वाला है, but these are the main functions. Okay, अब अगर इनकी diseases की बात करें, तो इसके नीचे के table में आपको hyper secretion और hypo secretion दो part करने हैं, या hypo पहले लो, hypo आपने जो लिखा हुआ है. So let's see diseases in detail, क्योंकि वही ज्यादा आपके को important है, उसके ऊपर ही ज्यादा आपको confusing type के MCQs मिलेंगे. So, मैं आपको डिसीजेस का अलग से बता रहा हूं, आप भी अलग से लिख सकते हैं एक सिंगल पेज पर. डिसीजेस में आपको दो देखने के, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड और हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन. हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन. सो थायराइड डिसऑर्डर्स, अपन अभी थायरॉक्सिन ही देख रहे हैं, टीसीटी बाकी आपको टेबल में टीसीटी का बताने वाला हूं, बट लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल थायरॉक्सिन कंप्लीट कर लेते हैं. सो दो प्रकार के डिसऑर्डर्स रहेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा रहेगा हाइपर थायरॉयडिज्म. दो प्रकार. सो एज द नेम सजेस्ट, हाइपो मींस लेस एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, लिख लो यहां पे, लेस देन नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ या रिड्यूस्ड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. And what is hyper? It is increased activity of thyroid gland. Okay? Increased activity. अब reduced activity कब होंगी? Thyroid की activity कम कब होंगी? So इसके जो causes रहेंगे, so causes number one, less TSH from pituitary. अगर pituitary gland ने कम TSH hormone, thyroid stimulating hormone, it is the hormone secreted by anterior lobe of pituitary. बराबर, pituitary पहले hypothalamus रहेगा, hypothalamus से pituitary, so hypothalamus will secrete TSH release hormone. याद आ रहा है, TSH release hormone, hypothalamus secretes only two types of hormones, release hormones and inhibitory hormones. So it will release TSH release hormone into the pituitary, and then pituitary will form TSH, thyroid stimulating hormone, that will go to blood, and from blood it will come to thyroid gland. Then thyroid will secrete thyroxine. So regulation kaise hota samajh mein aa raha hai thyroid gland ka? Hypothalamus will secrete TSH releasing hormone to pituitary. Pituitary will then secrete TSH, and then TSH will go to thyroid, and thyroid will secrete thyroxine. लेकिन अगर TSH रिलीज हार्मोन कम आया, तो TSH भी कम आ जाएगा पिट्यूटरी से. सो पिट्यूटरी से TSH कम आ रहा है, सो थायराइड विल सीक्रेट लेस थायरॉक्सिन. वो ठीक से थायरॉक्सिन नहीं तैयार कर पाएंगे. ओके, सो दैट विल लीड टू लेस एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड. समझा पहला कॉज. दूसरा कॉज अगर आप देखो, सो सेकेंड कॉज विल बी लो इनटेक of iodine in diet. Iodine की कमी हो गई, या फिर iodine deficiency, iodine in diet, that is iodine deficiency, ठीक है. So iodine कम मिलेगा खाने में, भले ही तुम्हारी pituitary ठीक से काम कर रही है, तुमको कोई issues नहीं है, लेकिन तुम खाने में iodine नहीं ले रहे, तो iodine नहीं रहेगा, तो फिर T3 और T4 कहां से तैयार होंगे?
your thyroid gland will be unable to synthesize thyroxine hormones normally. So therefore, thyroxine automatically kam ho jayega because iodine is absent in your body or less in your body, and hence the activity of thyroid gland will also decrease. Okay, ये दो causes हो गए इसके. Similarly, इसके causes क्या है? पहले causes लिख लेते हैं. इसका cause रहेगा, cause पहला cancer of thyroid. Cancer of thyroid, ठीक है, या फिर development of nodules in thyroid. Development of nodules in thyroid. Thyroid में कुछ गांठ वगैरह हो गई, nodules आ गए, ज्यादा बड़े follicle ज्यादा extra के तैयार हो गए, तो ज्यादा thyroxine तैयार होगा. Okay, nodules develop हो गए. So ये दो कारण, cancer होना thyroid का, तो cancer में फिर excess growth of thyroid हो जाएंगी, एबनॉर्मल ग्रोथ होंगी, तो उसकी वजह से ज्यादा है थायरोक्सिन. इधर भी नोड्यूल्स की वजह से ज्यादा थायरोक्सिन आ जाएगा. इधर टीएसएच कम रहने से कम थायरोक्सिन, आयोडीन कम रहने से कम थायरोक्सिन, या तीसरा अगर इसमें ऐड करें थायरॉयडेक्टॉमी. थायरॉयडेक्टॉमी दैट इज थायरॉयड एक्टॉमी मतलब रिमूवल, टॉमी मतलब रिमूवल, कटिंग ऑपरेशन, टॉमी जहां पर भी आया समझने का, रिमूवल ऑपरेशन. सो रिमूवल ऑफ थायरॉयड, रिमूवल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड. So, ये कारणों की वजह से आपका आयोडीन कम, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होगा, और इन कारणों की वजह से आपके थायरॉक्सिन का सिक्रीशन ज्यादा होगा. समझ में आ रहा है कारण क्या है? या तो टीएसएच कम होना, आयोडीन कम होना, या थायराइड निकाल देना. तो इन कारणों से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, या थायराइड को कैंसर हो जाना, या उसमें नोड्यूल्स का हो जाना, इनकी वजह से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा. तो अगर कम हो गया थायरॉक्सिन सो हाइपोथायरॉयडिज्म, ज्यादा हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब लो थायरॉक्सिन से कौन सी डिसीज होंगी? हाइपोथायरॉयडिज्म. और ज्यादा थायरॉक्सिन इससे कौन सी डिसीज होंगी? आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म. समझा? और फिर इससे तीन तीन इसमें तीन डिसऑर्डर्स होंगे, इसमें दो डिसऑर्डर्स होंगे अपने को देखने का. नंबर वन डिसऑर्डर्स लिख के रख लो, मैं वन बाय वन बता रहा हूं अभी. नंबर वन सिंपल गॉइटर, सिंपल गॉइटर ऑल्सो नोन एज एंडेमिक गॉइटर, एंडेमिक गॉइटर. नंबर टू क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन, क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन. एंड मिक्सोडीमा, मिक्सोइडीमा या फिर मिक्सोडीमा इन एडल्ट्स, मिक्सोडीमा इन एडल्ट्स. और यहां के डिसीजेस या डिसऑर्डर्स कौन से होंगे? सो जो डिसीजेस है, नंबर वन ग्रेव्स डिसीज, एंड नंबर टू हाशिमोटोस डिसीज, हाशिमोटोस डिसीज. समझ रहा है क्या है ये? अगर थायरॉक्सिन कम हुआ तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, जिसकी वजह से ये तीनों में से कुछ हो सकता, और अगर थायरॉक्सिन ज्यादा हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म होने से इन दोनों में से कुछ हो सकता. ओके, सो तीन डिसीजेस कौन से होंगे हाइपोथायरॉयडिज्म से? सिंपल गॉइटर, क्रेटिनिज्म एंड मिक्सोडीमा. ये बच्चों में होगा क्रेटिनिज्म, और मिक्सोडीमा एडल्ट्स में. ग्रेव्स डिसीज हाइपरथायरॉयडिज्म से होगा, और हाशिमोटोस डिसीज भी हाइपरथायरॉयडिज्म से. सो लेट्स सी वन बाय वन. आपको स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, प्लस एनसीईआरटी में भी डिस्क्राइब्ड है, तो आपको डिटेल में करना पड़ेगा. ये आपको साइड बाय साइड फोटोज देता रहूंगा, आप वो सिम्टम्स ऑब्जर्व करते रहना, सिंपली व्यू कर लो उसको अच्छे से, तो आपको लर्न भी हो जाएंगे. सो सबसे पहले देखते हैं अपन हाइपोथायरॉयडिज्म से होने वाला तुम्हारा सिंपल गॉइटर. सो सिंपल गॉइटर, अब पहली बात तो ये डिसीजेस जो है दीज आर कॉज्ड ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायरॉक्सिन कम होने वाला है बॉडी में, आयोडीन की कमी से हो रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो. सिंपल गॉइटर का जो मेन रीजन रहेगा, सिंपल गॉइटर इट इज कॉज्ड ड्यू टू लो आयोडीन इन डाइट, डाइट में आयोडीन की कमी रहना, आयोडीन डिफिशियंसी से होगा सबसे पहला इसका कॉज. जैसे कि हिली एरियाज में, हिली एरियाज दे हैव वेरी लेस आयोडीन कंटेंट इन देयर सॉइल एंड वाटर, बिकॉज आयोडीन गेट्स वॉश्ड ऑफ, रन ऑफ विद द वाटर दैट इज फ्लोइंग थ्रू द रेन वाटर. सो वहां पे बह जाता मिट्टी में भी, फिर आयोडीन की कमी रहती, पानी में भी आयोडीन की कमी रहती, तो उनके फिर फूड में, उनके जो सब्जियां वगैरह वहां पे उगाएंगे तो उनके फूड में भी फिर वो आयोडीन कम मात्रा में जाए. लेकिन इसके अपोजिट अगर सी फूड खाने वाले, तुमने देखे सी फूड ओशन के नजदीक रहने वाले लोग, तो ओशन का जो खाएंगे उनमें बहुत एबंडेंट अमाउंट में आयोडीन मिलता है उनको, उनमें कभी भी गॉइटर की कंडीशन आपको सी फूड वालों में
समुद्र किनारे पर कोस्टल रीजन में रहने वाले लोगों में आपको आयोडीन की कमी नहीं दिखाई देगी, जबकि हिली एरियाज में वेयर देर इज वेरी लेस आयोडीन कंटेंट इन सॉइल एज वेल एज वॉटर, एयर में तो नहीं रहता हूं, ओके सॉइल एंड वॉटर, सो दैट आयोडीन डिफिशियंट सॉइल आयोडीन डिफिशियंट वॉटर विल बी यूटिलाइज कंज्यूम बाय द हिली पीपल एंड हेंस देयर डाइट विल बी पुअर इन आयोडीन एंड हेंस दे विल सफर फ्रॉम एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ऐसा एनलार्ज हो जाएंगे पूरे गला आपको दिख रहा है, सो इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। एनलार्जमेंट क्यों होंगी, क्योंकि थायराइड में पहले आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन कम बनेगा। सो थायराइड क्या सोचती, थोड़े से सिक्रेटरी सेल्स का अमाउंट बढ़ा देते, मतलब फॉलिकुलर सेल्स फॉलिकल्स का नंबर, सो थायराइड की ऑटोमेटिक नेचुरली ग्रोथ हो जाती है, खुद ब खुद को ग्रो कर लेती खुद को, सो उसका साइज बढ़ने लग जाता टू कॉम्पेंसेट द अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन कम तैयार हो रहा वो बराबर अमाउंट में तैयार हो ऐसा सोचते हुए थायराइड खुद को बढ़ा लेती, ओके एंड दैट बिकम्स अ स्वेलिंग और एनलार्ज्ड इन द नेक रीजन एंड इट इज नोन एज सिंपल गॉइटर। समझा सिंपल गॉइटर क्या है, इसमें जनरली गला सूज जाता है इस तरीके से बड़ा दिखाई देगा, उसका बीपी बढ़ गया रहेगा, बेजर मोटा मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ गया रहेगा, ठीक है एक्चुअली सॉरी लो रहेगा क्योंकि उनका हाइपोथायरॉइडिज्म से सफर कर रहे हैं, उनमें फिर आपको मुश्किलें दिखाई देंगी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा आइडेंटिफिकेशन फीचर एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ओके ये रहेगा सिंपल गॉइटर। ऑल्सो नोन एज एंडेमिक, एंडेमिक मीन्स अ डिजीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया सच एज हिली एरिया, और क्या लिया ना एक जगह पीछे सब जगह फैला लिया को पैंडेमिक बोलने का, लेकिन ये एंडेमिक डिसऑर्डर है, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लोगों को ही होता है, ओके फ्रेंड्स इट इज कॉल्ड एंडेमिक गॉइटर, ठीक है। सेकंड डिसीज इज योर क्रेटिनिज्म, अगर आप सेकंड डिसीज की बात करें सो क्रेटिन चाइल्ड ये बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी से लॉजी से रिलेटेड, क्रेटिन बच्चा मतलब क्या है, वो बच्चे की ग्रोथ एक्चुअली दिस चाइल्ड इज बॉर्न टू अ फीमेल टू अ मदर हु हैज सफर्ड थायरॉक्सिन डिफिशियंसी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। अगर माँ प्रेग्नेंट है, फॉर एग्जांपल एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उसकी बॉडी में बेबी ग्रो हो रहा है और वो फीमेल की बॉडी में आयोडीन डिफिशियंसी हो गई, वो फीमेल को हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, उसमें थायरॉक्सिन कम बनेगा, सो माँ से ही थायरॉक्सिन जो तैयार होगा, पहले खुद को कम पुर रहा तो बच्चे को भी कम जाएगा, बिकॉज मदर्स हार्मोन्स आर सप्लाइड टू द डेवलपिंग इन्फेंट, यूटरस में जो ग्रो हो रहा है बच्चा उसको वही दे जाते हैं, लेकिन माँ को ही कम है हार्मोन्स तो बच्चे को भी कम मिलेंगे, सो इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे को थायरॉक्सिन की कमी से वो सफर करेगा और फिर वो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ विल बी रिटार्डेड मतलब कम हो वाली रहेंगी, मेंटली रिटार्डेड रहेगा बच्चा, डीफ म्यूटिज्म डीफ रहेगा प्लस म्यूट रहेगा, बोलना नहीं आएगा, सो वो बच्चा अपंग रहेगा एक प्रकार से, दिव्यांग रहेगा, उसको बोलना नहीं आएगा, गूंगा बहरा रहेगा, क्योंकि उसकी बॉडी की ग्रोथ बैडली अफेक्ट हो रही है, बिकॉज वी हैव जस्ट सीन दैट द फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन इट अफेक्ट्स बॉडी ग्रोथ फिजिकल मेंटल एंड सेक्सुअल, सो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, मेंटल ग्रोथ नहीं हुई, डीफ म्यूटिज्म का शिकार हो सकता, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी बहुत कम रहेगा, लो ऑक्सीडेशन उसके अंदर होगा, बॉडी में ज्यादा ऑक्सीडेशन एक्टिविटी नहीं रहेंगी, लो BMR जो फंक्शन अपन ने देखे अभी, हार्ट बीट कम रहेंगी उसकी, लो ग्रोथ रहेगी, डिलेड प्यूबर्टी उसकी प्यूबर्टी मतलब टीनेज जल्दी नहीं आएंगी, हार्मोनल ग्रोथ सेक्सुअल ग्रोथ जल्दी नहीं दिखाई देंगी उसमें, ओके सो इस तरीके के सिम्टम्स आपको क्रिएटिन चिल्ड्रन में दिखाई देंगे, फिजिकली तो बहुत रिटार्डेड रहेगा बच्चा, उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं होने की वजह से, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ योर क्रिएटिन चाइल्ड। इसी के साथ जन्म के साथ ही उसको कुछ डिसऑर्डर्स रहेंगे, जन्म के साथ कुछ रहेंगे जैसे कि प्रीनेटल प्रोलॉन्ग्ड जॉन्डिस, लिथर्जी, टायर्डनेस, मतलब क्या प्रीनेटल मतलब जन्म के पहले, प्री मतलब बिफोर, नेटल मतलब बर्थ, नेटलिटी, ओके सो प्रीनेटल मींस बिफोर बर्थ, उसको बहुत जॉन्डिस हो गया रहेगा, उसके लीवर के अफेक्टेड रहेगा बैडली, क्योंकि लीवर ही तो मेटाबॉलिक साइट्स का अपना सेंटर पॉइंट है, सो वहां पे जॉन्डिस हो गया रहेगा उसको जन्म के पहले ही, तो जन्म के टाइम पे वो भी जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक है।
और लिथर्जी मतलब लैक ऑफ एनर्जी, सुस्ती रहेंगी उसको हमेशा, स्लीपीनेस टाइप कंडीशन, टायर्डनेस, थकावट वगैरह रहेंगी। सो इस तरीके से बच्चा बहुत ही डल टाइप का बच्चा पैदा रहेगा। स्किन वगैरह भी उसकी ड्राई स्किन, थिक टंग, उसकी जीभ भी बहुत मोटी रहेगी, और साथ ही साथ शॉर्ट स्टीचर, उसकी हाइट भी कम रहेगी, शॉर्ट स्टीचर्ड, ओके। एंड कॉन्स्टिपेशन का भी पेशेंट हो सकता है, उसको हो सकता है कॉन्स्टिपेशन। सो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ योर क्रेटीन चाइल्ड। कॉन्स्टिपेशन जन्म के साथ ही जॉन्डिस हो गया, कॉन्स्टिपेशन है, सुस्त बच्चा है बहुत, स्किन भी थोड़ी सी अलग लग रही है उसकी, टंग बहुत ठीक है उसकी, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स अगर दिखेंगे सो दैट विल बी द क्रेटीन। व्हाट इज द कॉज इफ दैट फीमेल और मदर ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी सफर्स लैक ऑफ थायरॉक्सिन, लैक ऑफ आयोडीन इन हर डाइट, therefore that female will produce less thyroxine and the baby will be affected and that baby is said to be suffering from creatinism। ye symptom hai, creatine ke symptom hai, creatine bol ke jo dikhai dete hai aise dikhai, okay। photo dekhe aapne bacche kis tarike ke dikhai dete hain, ki height weight bhi kam hi rehti, so ye alag, isko dwarfism nahi manne ka, pituitary dwarfism growth hormone ki kami se ho raha hai, ye bichare ke dekho puri mental activity, uski physical growth hi affect ho gayi kyunki iska thyroxine hi bahut kam hai, ओके। सो इसके बाद अगर सिंपल गॉइटर, क्रेटिनिज्म हो गया, और मिक्सीडेमा, थर्ड वन इज मिक्सीडेमा। सो मिक्सीडेमा में मिक्सो और एडिमा, एडिमा मतलब स्वेलिंग, एडिमा मींस स्वेलिंग और एनलार्जमेंट। सो ये एडल्ट्स में दिखाई देगा, अगर एडल्ट एज में फॉर एग्जाम्पल 18-19 प्लस हो गया बंदा, और उसके तब तक ठीक चला उसका थायरॉक्सिन, लेकिन बाद में खाने में आयोडीन कम हो गया, तो उसका थायरॉक्सिन ठीक से तैयार नहीं होगा, एंड दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा में होगा क्या, दैट पर्सन विल सफर टायर्डनेस, कोल्ड, शिवरिंग, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, राइट। उसकी स्किन, सबसे आइडेंटिफिकेशन फीचर जो रहता, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑन फेस एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब पैर पर विल बिकम थिक एंड पफी, उसमें पफीनेस दिखाई देगी, थिकनेस आ जाएंगे उसमें, विल शो थिकनेस एंड पफीनेस। आपको पैर आ रहे हैं, देखो कैसे उसके पैर पर ऐसे मोटे मोटे स्किन, एकदम ड्राई कड़क जैसी स्किन हो गई, पफीनेस हो गई, जैसे कि कुछ पफोले वगैरह आ गए उसके ऊपर, ठीक है। सो इस तरीके की स्किन हो जाएंगी वो अडल्टी, क्योंकि उसकी स्किन तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीडेशन कम होगा उसकी बॉडी में, सो मेटाबोलिज्म कम होने से एनर्जी नहीं तैयार होंगी, ठंड बजेगी उसको, और थकावट वगैरह, सुस्ती, ठीक है, बहुत लो एक्टिविटी रहेंगी उसमें ज्यादा, वो भी पर्सन ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, लेस अलर्टनेस, उसमें अलर्टनेस ज्यादा नहीं रहेंगी, और आईक्यू भी उसका, इंटेलिजेंस भी कम होने लगेगा, ज्यादा चीजें याद नहीं रहेंगी, ऐसे चीजें होंगी, परेशानी होंगी उसको, इंटेलिजेंस, लो मेमोरी। सो दिस विल बी द सिम्टम्स ऑफ दैट मिक्सीडेम। पर मेनली अगर तुमको पहचानना है तो स्किन के ऊपर पफिनेस और ड्राइनेस स्किन और लोअर टिश्यू में जनरली फेस पर और पैरों पर दिखाई देता, तो दैट विल बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिक्सोडिमा। ओके, समझ में आया मिक्सोडिमा क्या है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मिक्सोडिमा। Let's see the last two, Graves' disease and Hashimoto's disease. So Graves' disease is caused due to hyperthyroidism, जिसमें नाम से ही समझ में आ रहा है Grave. Okay, Mixedema is also known as Gull's disease. लिख लो Gull's disease. किसका दूसरा नाम है Mixedema is also known as Gull's disease. Okay, and this is Graves' disease. Okay, also known as Graves' disease, also known as exophthalmic goiter. अब ये disease के बारे में कई बार MCQs आके गए वाले, it is caused due to hyperthyroidism. Grave, नाम से समझ में आ रहा है grave, तो grave बोलते कैसे भूत वगैरह, कब्रस्तान, graveyard, तो वहां के जैसे अपने को लोग दिखाई देते, zombie वगैरह type की concept रहते हैं actually वो, but वह कैसे आके फड़फड़ के अपने को देख रहे, डरा रहे वैसे भूत के जैसे, सो चेहरा कुछ वैसा हो जाता है। ओके, आपको फोटोज आ रहे हैं साइड बाय साइड, डरने का नहीं, या आपको रात में आके डराने वाली नहीं है भाई, लेकिन या ऐसे जो चेहरे रहेंगे, आंखें बाहर निकली हुई, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोट्रूडिंग आईज,
या बल्जिंग आईबॉल, बल्जिंग बाहर निकल के आ रहा है ऐसा लग रहा है, उसके आईज अब गिरते कि ऐसा लग रहा है. ओके, स्किन एंड फैटी डिपोजिशन अराउंड आईबॉल. ठीक है, लो बीएम सॉरी इंक्रीज्ड बीएमआर, क्योंकि अब इनमें ज्यादा थायरॉक्सिन हो गया ना, इंक्रीज्ड बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स इन फिंगर्स, ट्रेमर्स हाथ पर ऐसे कड़क हो जाएंगे, नेल्स वगैरह भी थोड़े से सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे ज्यादा वहां पे एक्टिविटी रहने की वजह से. सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस ग्रेव्स डिजीज. जो पर्सन दिख रहा है आपको, जो फीमेल दिख रही है, सो उसकी बॉडी देखो, आंखें कैसे बाहर की तरफ आ रही है, थोड़ी सी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड भी दिखाई देगी क्योंकि थायरॉक्सिन ज्यादा तैयार हो रहा है. ओके, अभी मैंने रीजन बताया कैंसर या फिर डेवलपमेंट ऑफ नोडल, तो वो उतना दिखाई देंगे, गॉइटर्स इतना बड़ा नहीं रहेगा. ओके, बट डिप्रोट्रूडिंग आईज, ऐसा क्यों? क्योंकि आईबॉल के आजू बाजू में फैट डिपोजिशन हो जाने की वजह से आंखें बाहर आते हुए दिखाई देंगी. सो दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज आल्सो नोन एज एक्सोथेल्मिक गॉइटर. एक्सो मींस बाहर आना, ऑप्थेल्मो मतलब आईज, सो एक्सोथेल्मिक गॉइटर जिसमें गला बाहर नहीं आता, आंखें बाहर आ जाती, वो गॉइटर है एक्सोथेल्मिक गॉइटर, आल्सो नोन एज ग्रेव्स डिजीज. ड्यू टू फैटी डिपोजिशन अराउंड आईज, दिस आईज विल बिकम प्रोट्रूडिंग और बल्जिंग आईज बाहर आते ही. ठीक है, रेडनेस रहेंगी आईज में, नींद वगैरह ठीक से नहीं आएंगी उनको, क्योंकि आंखें खुली रहेंगी तो क्या सो पाएंगे वो. ओके, बीएमआर बढ़ जाएगा, ये सारे सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी, उसको हमेशा किचकिच हो जाएंगे, चिड़चिड़ चिड़चिड़ापन, स्किन वगैरह उसके नेल्स वगैरह देखो कैसे उगा रहे. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ योर ग्रेव्स डिजीज. Lastly, Hashimoto's disease. The last disease is Hashimoto's disease. So it is not caused due to the cancer or development of thyroid. It is actually the autoimmune disease. Hashimoto's disease. It is an autoimmune disorder. Means what? Your immunity system will destroy your own thyroid gland. Your immunity system will produce antibodies against thyroid gland. Antibodies are produced by own immunity system. Antibodies are produced by own, तुम्हारे खुद का immunity system antibodies तैयार करेगा against thyroid. Actually antibodies तैयार करने से जरूरी नहीं कि आपका thyroid destroy होगा. That antibodies will copy the functioning of follicular cells. They will do mimicry of follicular cells. They will also start to, they will also promote synthesis of thyroxine, and therefore excess of thyroxine will be secreted in that body. और उसकी वजह से फिर वो जो male female रहेंगे तो उसकी body में menstruation irregular हो जाएगा. इन सब में भी menstruation irregular रहेगा. Graves disease वगैरह myxoedema में भी, myxoedema में specially लिख लो क्योंकि वो male adult में होता ना. Okay, so यहाँ पे भी फिर एक्स्ट्रा थायरॉक्सिन की वजह से बॉडी की ग्रोथ वगैरह होगी, थायराइड एनलार्ज हो जाएंगी. यहाँ पे ब्लड टेस्ट करके पता करना पड़ता है एंटीबॉडीज कौन से है, तैयार हुए क्या नहीं हुए, एंड देन दिस डिजीज कैन बी आइडेंटिफाइड. ओके, बट दिस डिजीज इज नॉट कॉज ड्यू टू कैंसर और एनीथिंग एल्स. हियर योर इम्यूनिटी सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट थायराइड. दैट एंटीबॉडीज आर मिमिकिंग और कॉपिंग द फंक्शन ऑफ फॉलिकुलर सेल्स दैट सीक्रेट थायरॉक्सिन, एंड हेंस एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड देयरफॉर hyperthyroidism condition will be there. Okay, this disease was discovered by Hashimoto, hence it is called Hashimoto's disease. Okay, सारे चीजें समझी, thyroxin का description कितना करना है आपको, किस तरीके से करना है आपको, किस तरीके से differentiate करके functions बताया मैंने, disorders बताया, identification of disorders समझ में आया कैसे करना है. endemic goiter में आपको गला सुजाल दिखेगा, cretinism में बच्चे का growth कम रहेंगे बच्चों में होगा, फिर बड़ों में क्या होगा, मिक्सोडिमा जिसमें बॉडी के ऊपर पफिनेस रहेगी, स्किन के ऊपर ड्राई स्किन रहेगी, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर रहेगा फीमेल में, क्रेटिनिज्म पे ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आके गए वाला है. देन इसके बाद ग्रेव्स डिजीज में ग्रेव की जैसी आंखें बड़ी बड़ी फाड़ के देख रहा है ऐसा लगेगा, एक्सोथेल्मिक गॉइटर, प्रोट्रूडिंग आईबॉल, उसके आइडेंटिफिकेशन फीचर ड्यू टू फैट डिपोजिशन, एंड फिर लास्ट वन हाशिमोटोस डिजीज ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी एंड इन एंटीबॉडी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट थायराइड. So these are the disorders, functions of your thyroxine. We'll see the functions of TCT, that is second hormone of your thyroid gland, and parathyroid hormone, that is PTH, in our next lecture.